जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज की हुकूमत को, जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुकुमरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोलिशन पर कितनी कॉन्फिडेंस है, एक वजन है जो कोलिशन हुई है एनसी कांग्रेस में? अब कोलिशन तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह आप? किस चीज की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, देखना इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरे। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आईन का ख्याल रखना चाहिए, और ये 5 सीटें अगर भरी जाए तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज मिली है? नहीं ना, हमने उनका कोई तजवीज ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना, पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहां से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई जरूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो है बैठ के उनपे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। घर पहुंच के सारा बदल गया। मुझे अर्ली ट्रेंड्स मत बताइए ना, लंच के बाद बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला विन फ्रॉम बोथ बरगाम इंशाल्लाह, बट लुक इट्स हू कैन से, जो अल्लाह ताला ने रखा होगा वही होगा। और जो गांदरबल और बड़गाम के लोगों ने, मैंने अपने तरफ से जितना मैं कर सकता था किया, और बाकी अब, you've been meeting people, बाकी डब्बों में है ना, अब डब्बों से निकले नतीजे फिर देखें।